हैप्पी बर्थडे टू मी। मेरा गला खराब है, थोड़ी सी सर्दी हो गई है इसलिए ऐसी आवाज़ आ रही है गुनगुनी सी। आज है 11 अक्टूबर और ये ब्लॉग शायद आप कल या परसों देखोगे। पुराने समय जब छोटा था मैं, लाइक 12-13 साल का, तो मम्मी पापा कपड़े दिला के लाते थे, मेरे को बोलते थे कि ये जन्मदिन पे पहनना। तो मैं खूब बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा होता था कि कब मेरा जन्मदिन आएगा, कब मैं नए कपड़े पहनूंगा। और जन्मदिन के पहले सब वही पुराने फटे हुए कपड़े, एकदम वही जो कि यूज में आ रहे हैं कंटिन्यूअसली, वो सारे कपड़े फटे हुए नहीं रहते थे। पर मैं उसका इंतजार बहुत बेसब्री से कर रहा होता था कि कब मेरा जन्मदिन आएगा और कब मैं नए कपड़े पहनूंगा। अब हम बड़े हो गए, अब हम खुद ही नए कपड़े लाते हैं, लेकिन वो ट्रेंड वही चला आ रहा है, जन्मदिन पे नए कपड़े ही पहनना है, पुराने कपड़े नहीं। तो चलो पहन के मंदिर चलते हैं। देखो भाई, अभी मैंने टैग्स हटाए नहीं, आप लोग बोलो कि नहीं यार दिखाया नहीं तुमने नए कपड़े, कि नहीं यार तुमने पुराने ही पहने होंगे। मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि बचपन में मैं ऐसा दिखाता था सबको नए कपड़े। भाई कोई ट्रांजिशन वंजिशन नहीं आने वाले हैं कि मैं यहाँ पे आपको एक फैशन इन्फ्लुएंसर की तरह पूरा ड्रेसअप दिखाऊंगा। बस ये मुझे बेज कलर की टी शर्ट है, वाइट दिख रही होगी ब्लॉग में, और ये ब्लैक पैंट। बस मेरा कोई बहुत ज़्यादा तगड़ा फैशन सेंस नहीं है, मैं भी अपने छोटे भाई से पूछ के कपड़े खरीदता हूँ। हाँ, जिम के बारे में कुछ भी पूछ लो मुझसे कि कौन सा, कैसा, कैसी बनियान, कैसा ट्राउजर कह रहा हूँ, कैसा कार्गो, कैसी लोअर उस पर बढ़िया लगेगी, कौन सा कंप्रेशन टी शर्ट बढ़िया लग रहा है, कौन सा नहीं। बाकी भाई यही है बेसिक सा, और बहुत ज्यादा ऊट पटांग चीजें मेरे को पसंद भी नहीं है। सिंपल सा ही मैं, एकदम सादा सा, देख के कोई ये नहीं बोलेगा अरे तो बहुत ही रंगीन मिजाज का इंसान है, एकदम प्लेन सा ही दिखूंगा आपको मैं, सादा सा। भाई ये लगा हुआ था, अभी क्या हुआ, मैं सीधे ऐसे गया और टकरा गया बात करते करते। जूते तो सारे ही तगड़े हैं भाई, कोई सभी पहन लो। जूते का कलेक्शन बहुत है, बहुत सारा है, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होती है, कोई सभी पहन लो। लेकिन ये जिम वाली ड्रेस नहीं है ना, ये तो बाहर जाने वाली ड्रेस है, बाहर जाने वाली ड्रेस। तो ये सब पे जम जाते हैं ये वाले जूते, ये दिख रहा है पीछे, ये हाथ है, इसको मैंने अलग से बनाया है, बनवाया है ऑर्डर देके। अभी कोई फट से बंदा पूछ लेगा कमेंट में, होम टूर कब आएगा, आएगा आएगा जल्दी आएगा। अरे यार मम्मी, मैं आके खाऊंगा और मैं लेट हो रहा हूँ, मेरे को फिर जिम भी जाना है। इस आदमी ने लेट करा दिया। क्या बोला तूने? पापा ने लेट करा दिया जी। आज 8वां दिन है ना? 8वां 9वां दोनों। अच्छा, तो भाई आज 8वां 9वां दोनों दिन आज ही है, तो इसलिए पूड़ियां बन रही है और शायद कन्याएं आएंगी खाने। और एक कन्या तो आ गई है, दिखाता हूँ। पूड़ी खाएगी फिर क्या खाएगी? क्या खाएगी है? कुछ नहीं। क्या खाया? क्या खाया स्कूल में? खीर पूड़ी। हमारे यहाँ भी थोड़ा सा खा लेना, ठीक है? फिर आप भी चली दो मम्मी पूजा करके। भैया अब कितना लेट तो हो ही गया है ना, 9:30 तो हो गए, 9 बजे निकल जाते अगर पापा बोले थे तो, लेट नहीं होते। 9 बजे कैसे निकलते हैं? तेरी वजह से हुआ है आज। कहाँ? जिम। अभी मंदिर जा रहा हूँ यार, ये लेट करा दिया सबने। किधर जा रहे हो मंदिर? तेरे को क्या हो गया रे, थोड़ी थोड़ी देर पे फोन चाहिए रहा था तो ऐसे करती है। बताओ ना, है मंदिर जा रहे हो? हाँ। फिर मंदिर से वापस आकर के फिर केक खाओगे? तब जाऊंगा जिम, देखता हूँ यार, कुछ नहीं खाया सुबह से। इन्होंने सुबह से कुछ खाया कि नहीं? कुछ खाया, यही लेट चल रही है मम्मी। इनसे पूछ, 6 बजे के आने वाले, 6:30 बोला इसकी वजह से, इसको खाने जल्दी बुलाया था और ये लेट आई। तू क्यों रो रही है? तेरी वजह से हुआ तो गलती मानना है, रोना क्या है इसमें? लाओ भाई फिर से पहन लो। अरे उठना है ना, उठो उठो। अरे पतलू क्या प्लान बनाया आज? वो यार संस्कृति पूछ रही थी आने का ना, इसलिए। तो आज का कोई प्लान नहीं है? प्लान भाई सब कर लेंगे ना जाकर के। और जाता हूँ, चलो शाम बाहर खाना खाएंगे। देखता हूँ क्या प्लान किया तुमने। ओके okay. किसी के साथ का प्लान आपका तो नहीं है ना? अभी तो नहीं है, सेडिस्ट लाइफ हो गई एकदम।
भाई गाड़ी लेके आए इधर तो सब लोग कह रहे हैं पूजा करना है। इतनी नहीं लग रही है क्या गाड़ी, जबकि ये धुली भी नहीं है। पूजा वाले पंडित अलग हैं पापा, करवाने वाले पंडित अलग हैं, अपनी पूजा करानी है वो पंडित अलग हैं, सब अलग अलग मिलेंगे। तो भाई ये सब कुछ ले लिया है, ये सब कुछ ज़रूरी होता है। इसमें मिठाई है, 101 रुपये है, और माला है, और नारियल है। पापा ने अगरबत्ती नहीं ली फॉर सम रीज़न, और बस इसको करके निकलेंगे घर। शीतला माता मंदिर पे मम्मी ने कहा था पूरी रखने को। किधर से? इधर से रास्ता नहीं है, जहाँ से आए थे वहीं से जाना शायद। अरे ऐसा परिक्रमा तो करनी है ना। अच्छा हाँ, परिक्रमा करनी है। शांत तो लगता है पापा, मंदिर में शांति तो लगती है, एक एनर्जी फील होती है, एक वाइब ऐसा लगता है कि हाँ भाई अच्छी जगह आए, पवित्र जगह आए। कहाँ पे? अच्छा अच्छा, वहाँ और शांति है। अच्छा नेपाल नगर की बात बता रहे हैं पापा, जहाँ इनका जन्म स्थान, मेरा भी वहीं कि वहाँ और पीस मिलता है। मैं बस यही कह रहा था कि ऐसी जगह पे आके बैठो अगर आधा घंटा 20 मिनट तो काफ़ी अच्छा लगता है। भाई मौसम भी बहुत बढ़िया हो रखा है आज, ये देखो महसूस, मतलब महसूस हो रहा है। देखो क्या देखो, तो आपको ग्रे ग्रे दिख रहा होगा लेकिन हवा अच्छी चल रही है, वो देखो झंडों से आपको पता चल रहा होगा। बस मेरी थोड़ी सी तबीयत आज ख़राब है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा सुपर एनर्जेटिक नहीं हूँ, बाकी ठीक है। हाँ भाई सुबह से कुछ खाया नहीं है, एक लड्डू मिला है गणपति जी का। बैठो, ये गाड़ी ले लेते हैं पापा अपन। क्या कोई गाड़ी वाला अपने से फोकट अड़ेगा, उसकी कार के ऊपर से चढ़ा देंगे। इसके पास पापा को ऐसी आ रही, इसके पास देखो अपन ही कितनी दूर चल रहे हैं फटी में। उधर कहाँ घुसा दिया उसने, देख। बीमर हो चाहे भाई फॉर्च्यूनर हो, ले भाई साहब, ओ भाई साहब आराम से, ब्रेक मत देना रे दादा, ब्रेक ले ले कुचल दो। देखो कहाँ चला गया, देख रहे हो भाई, ये है ऑफ रोडर भैया। थार वार क्या होता है, वो क्या होती है, कौन सी है पापा, वो रूबीकॉन, ये असली ऑफ रोडर। ऑफ रोडर है और ऑन रोडर है, और कारों के ऊपर से भी निकाल लो, उसको कौन सी रोडिंग बोलेंगे ये नहीं पता मुझे, बेस्ट है ये। ये दोनों दोस्त खड़े होकर पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। मेरे लिए जो 20 करोड़ रुपए की डील होने वाली है ना सवेरे, अच्छा इस डील में मैं कोई भी रिस्क नहीं चाहता, ठीक है। एकदम इधर चरस वरस ले रहे होंगे। नहीं नहीं सुबह सुबह तिरक लगाएगी नहीं दादा ने यार। अरे भाई पंडित लोग मंदिर के पापा आजकल पता है क्या करते हैं, वो इतनी जल्दी में रहते हैं, जबकि भीड़ नहीं थी आज, ऐसे उसने तिलक वाले उसमें डिबिया में उंगली डाले ऐसे कर दिया, मैंने कहा भैया बाल में लगा दिया आपने। एक तो तू आई लेट और रो क्यों रही है, क्या हो गया? नहीं रोते नहीं रोते। प्रसाद खाया, खाना खा लिया, चलो अच्छी बात है। पैसे किसने दिए? दीदी ने। यार दीदी तो बहुत अच्छी हैं। भाई यार सारी थालियां झूठी हो गई थी तो मैं इसमें ओट्स खा रहा हूँ विद वन एंड ओनली 1.5 स्कूप वे प्रोटीन। इसमें ये मैंने डाला है, अरे यार ये बेरीज हैं और सिर्फ यही दो चीज है और ओट्स है। अब इसमें अगर मैं नट्स डालता तो, क्योंकि अभी एक क्विक जिम सेशन लेने जाना है बर्ब्स आते, तो जिम से जस्ट पहले मैं फैट अवॉइड करता हूँ। तो भाई आज के समय में मार्केट में बहुत सारे वे प्रोटीन आपको देखने को मिल जाएंगे, आपको आए दिनों खबरें आती रहती हैं कि इसमें एनाबॉलिक स्टेरॉइड मिक्स्ड है, इसमें अमीनो स्पाइकिंग की गई है, ट्रस्टिफाइड टेस्ट करता ही रहता है आए दिनों, और आपको पता है कि कौन सी ब्रांड पे आपको जाना है और कौन सी ब्रांड आपको नहीं लेनी, लेकिन फिर भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ऐसी ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं जो सही नहीं है। इवन मेरे पास भी इन में से कुछ ब्रांड्स के ऑफर्स आए थे जो कि काफी ज्यादा आई प्लीजिंग प्राइस देने को तैयार थे, लेकिन मैं एक अच्छी ब्रांड का इंतजार कर रहा था। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ फ्यूल वन की। फ्यूल वन जो वे प्रोटीन है, इसमें आपको सबसे पहली चीज तो क्वालिटी, वो भी ऐसे प्राइस में, ऐसे बजट फ्रेंडली प्राइस में जो कि दूसरी ब्रांड्स आपको नहीं देने वाली है। ये इतना ज्यादा अफोर्डेबल है कि आपको क्वालिटी के साथ वो चीज मिल रही है। यहाँ पे आपको 28 ग्राम हर सर्विंग में वे प्रोटीन, हाई क्वालिटी वे प्रोटीन मिल रहा है। EAA मिल रहे हैं उसमें, BCAA भी मिल रहे हैं एक सर्विंग के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है
कि ये ट्रस्टिफाइड टेस्टेड है, तो आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपके दिमाग में अगर बहुत सारी चीजें हैं, हमारे दिमाग में, एक स्टूडेंट के दिमाग में क्या चल रहा होता है कि भाई हमारा बजट भी है, एट द सेम टाइम हमारे साथ कोई धोखेधड़ी ना हो, एक हाई क्वालिटी प्रोटीन हमको मिले, तो ये प्रोटीन उनमें से एक है। अब इसका चाहे आप कंसंट्रेट ले लो, चाहे आइसोलेट ले लो, अपने बजट के हिसाब से कोई सा भी ले सकते हो। आइसोलेट में तब आपको कहूंगा लेने को जब आपको लैक्टोज से रिलेटेड कुछ समस्या हो, लैक्टोज इंटॉलरेंट हो आप, तो वहां पे लैक्टोज कंटेंट कम हो जाता है आइसोलेट में। अदरवाइज कंसंट्रेट भी बहुत हाई क्वालिटी प्रोटीन यूज करके बनाया गया है, कोई अमीनो स्पाइकिंग नहीं है, कोई एडिड शुगर नहीं है। तो आंख बंद करके यू कैन यूज द कोड शुभम30 ड्यूरिंग चेकआउट एंड स्वाद लो भाई इसका चॉकलेट फ्लेवर, जो कि मुझे पर्सनली खूब पसंद है, आप भी ले सकते हो और मुझे कमेंट में बताना आपको कैसा लगा। तो भाई हम अपने नॉर्मल गेटअप में आ गए हैं जिसमें हम मोस्टली रहते हैं, जिम टाइम हो गया, उसमें शर्ट पैंट में जा नहीं सकते, नहीं बहुत फ्रिक्वेंटली, मैं वैसे भी बदलता नहीं कपड़े, इसी में मैं मोस्टली रहता हूँ, तो इसी में चले जाता मैं। पर आज बर्थडे था तो पहन लिए थोड़े से अच्छे कपड़े। मम्मी सुबह से व्यस्त हो आपको, मेरे लिए टाइम नहीं है। मेरे लिए तो कर रही हूँ आज, पूड़ियाँ दनादन पूड़ियाँ बना रही है, मेरे को एक बार भी गले नहीं मिली। अरे तो सुबह नहीं मिला जब उठ के आया तो? नहीं, अब गले मिलूंगी तो जिम नहीं जा पाएगा, वैसे मिलती रहूंगी, जा रहा हूँ अब गले और गले जिम। चलो क्या क्या डाल दिया? ये प्रोटीन 2 चम्मच और क्रिएटिन 1 चम्मच छोटे वाले। ठीक है भाई, मेरे को भाई ये टोपा लगा लेने दो यार, क्योंकि एसी बंद कर रहा हूँ तो गर्मी लग रही है, एसी चला रहा हूँ तो ठंड लग रही है। अब ये टोपा बैलेंस कर देगा टोपा। भाई जब तबीयत खराब रहती है ना तो बहुत चिड़चिड़ होती है, किसी की कुछ बात अच्छी नहीं लगती, ऐसा लगता है कि भाई साला क्यों है ये इंसान, एग्जिस्ट क्यों कर रहा है, चुप हो जा यार, चुप हो जा, बहुत ज्यादा अजीब सा लगता है। हाँ मैं फिटनेस इन्फ्लुएंसर हूँ, कैमरे पे आके मेरे को एकदम अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए, लेकिन मैं भी तो इंसान हूँ, लोगों को ऐसा लगता है कि यार नहीं बीमार है वो, कैमरे में ना दिखाऊं, लेकिन यार मेरे से नहीं हो पाता वो, मैं तो भाई बोल देता हूँ यार भाई चुप हो जा 2 मिनट यार, सिर दुख रहा है, होता है ना आप लोगों के साथ, अजीब सा लग रहा होता है, गुस्सा आ रही होती है। भाई मेरे साथ ऐसा केस है, मेरे को मेरी उंगली टूट जाए, मेरे को रिस्ट इंजरी हो जाए, शोल्डर में दर्द हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है भाई, मस्त एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, सबसे अच्छे से बात कर रहे हैं, हल्की सी सर्दी जुकाम बुखार हो गया ना, ऐसा लगता है क्या है। भाई ये जो तू सलमान खान बन के घूम रहा है ना, जिम चलना है, मैं कपड़े ला जाऊं। अच्छा फिर ठीक है, मुझे सलमान खान बोलने के लिए, तू वो है साले जॉनी लीवर है तू। वो वाला गिरवर्धन घाट वाला, मुझे लगा कम से कम एक्सपेंडेबल का सिल्वेस्टर तो बोलेगा। क्या बोलेगा? एक्सपेंडेबल का सिल्वेस्टर स्टेलोन। गाइस ये बंदा एक्सपेंडेबल का सिल्वेस्टर स्टेलोन लग रहा है, उसके हाथ की एक नस भी नहीं लग रहा है, ये स्टोन है, स्टोन स्टोन भाई, वो रिंग तो लगी रहूंगा कम से कम। क्या भाई चीकू बधाई तो देते जन्मदिन में, भाई मैं तेरे को बधाई देने ही आया हूं, मेरे को तो इसका मुंह देख के गुस्सा आ गई कि भाई ये क्या है, कपड़े कहां है इसके, गाड़ी में। अच्छा भाई यार कैसी सर्दी, और ओहो सिल्वेस्टर स्टेलोन, अरे बाप रे, क्या भाई क्या हालचाल, बड़े दिन बाद मिल रहा है यार तुझे। भाई जन्मदिन मैं जिम आ रहा था अभी, पता है जिम जिम मिलने आ रहा था या जिम करने आ रहा था? अच्छा यार, करने वाली बात क्यों कर रहे हो? नहीं करूंगा भाई, चलो कॉफी पीते हैं बढ़िया, बॉडी डाउन हो रही है, चला जा तेरे को आज, चला जा तेरे को आज अच्छी कॉफी पिलाता हूं, बॉडी मेरी थोड़ी डाउन हो रही है, बॉडी डाउन हो रही है इसलिए जिम नहीं आ रहा है। अरे हाँ यार सही बात है, जब एकदम स्वस्थ हो जाए तो हाल में बल्कि तो अभी मेरे पैर मेरे अभी चना भिगाया हुआ है, मैंने देखो एक लड़का भेजा भटूरे के लिए चना भिगाया हुआ है, मैंने अभी तेरे पास एक लड़का भेजा उसके पैर सही कर, लड़का नहीं है वो भाई। हेलो भी किसी का बात करता है किसी का बात करता है, लड़का नहीं है भाई वो, लड़का मत बोल, खुद ही एक्सेप्ट करता है आजकल तो वो अपने मुंह से, वो तो एक्सेप्टेड ही उसका। मैंने उसको बोला सुमित को, भाई भगवान तेरे को लड़की बना रहे थे, इतना बस इतना सा रह गया, भगवान ने बोला चलो छोड़ो, वो शेप दे ही दिया था, लड़का बना दो, उन्होंने शेप दिया था नीचे से चालू करा था, वो थोड़ा टेंपरेचर और कर दो ना, तुम लोग कहाँ घूम रहे हो सुबह से? अरे कहीं नहीं, अब भी नहीं, हॉट कर दो थोड़ा, गर्म कर दो, बहुत ज्यादा ठंडा है। कहाँ किधर निकले? पोहे खाने गए थे। अच्छा अभी भाई ओट्स खा के आया हूँ भाई, तो भाई जल्दी आ गया आज। खुशी है भाई मेरे को इस बात की, यही है बिगेस्ट सरप्राइज, फोन लगाने के 10 मिनट हुए होंगे अभी, 10 भी पूरे नहीं हुए, 10 भी नहीं हुए भाई, कैसे आ गया जल्दी,
अरे वाह यार, थैंक यू ब्रो यार। मुझे लग रहा है यही सोया था 140। चीकू कह रहा है यही सोया था क्या? यही सोया था क्या? यही पे कंबल हटा के आने में 10 मिनट लग गए। चाय लिमिट पे ले आओ यार, साथ चली जाती है। सुमित अभी थोड़ी देर बैठे रहे, थोड़ी देर बात करते रहे। भैया ये इसकी भी सेम बना दो। अक्षय एकदम से पता है कैसे करता है? ऐसे बात कर रहे हैं एकदम से करता है भाई, एकदम से करता है एकदम से भाई। इसे मरान आ रही है एकदम से भाई। ऐसा क्यों करता है भाई? तेरे को दमा उमा तो नहीं हो रहा भाई? वो फुसफुसा ले ले तू भी, जैसे लंबी सांस ले। हां भाई, तेरे कपड़े कहाँ हैं? तो जाएगा कैसे? तेरी कार से? अच्छा, ओ भाई पियो यार। निखिल समझ में नहीं आ रही, लेट हो रहे हैं यार। ऐसा ही है, चुस्की मार मार के, चुस्की मार मार के पी रहे हैं। तीन लोग पैरों पे खड़े हैं और दो लोग पैरों पे खड़े हैं, एक रॉड पे लेटा है, एक घुटनों पे खड़ा है। सुमित चुप रहा कर भाई, ब्लॉग में फैट कम करो। फोन रख, आप कहाँ जा रहे हो? शाम में वहाँ बाली जा रहा हूँ। 12,000 रुपए की टिकट है। वियतनाम की थी, मंगने के कंडक्टर ही बने गए। क्यों? ये वियतनाम की कंडक्टर चला चला वियतनाम। इतने धीरे कॉफी पी रहा निखिल, जीभी में बैठा क्या साले? कितनी गर्म है बता? बट मेरे को हाथ से छुआ तो गर्म नहीं है भाई, कोई गर्म नहीं थी। मत कर, वो काला हो जाएगा। और साले मैं स्टीम के नीचे मुंह दे दूं तो नहीं जले मेरे को, क्योंकि वो हीट रिपेलेंट नहीं, हीट एब्जॉर्बेंट है। एक और आएगी, चल एक और आएगी, चल चल चल, बहुत बढ़िया। क्या भाई भूत जैसा क्यों देख रहा है? सालो छोड़ के आ गए ऊपर, जल्दी से तुमको नीचा देगी। अक्षय ने लिफ्ट बंद कर दी, इसको वहीं छोड़ दिया। ये ऐसा ही है क्या भाई? मैंने बोला था सुमित को तो ले ले, लेकिन ये मानता कहाँ है? ट्रिप लग रही है, ट्रिप करेगा अपना, 16 श्रृंगार करेगा तो 16 श्रृंगार क्या क्या हरकत है? ऐसा कोई कोई जो वो होता ना, कम कर कॉपीराइट आ जाएगा। आरती साधु, अबे हाथ हटा, मेरे को मार रहे थे एक बार, मेरे को कर, मैं तो ऊपर नहीं हो रही, बेइज्जती करा रही है BMW भाई। जेस्चर है क्या ये BMW यार? तेरे हाथ थोड़े से ज्यादा खुल गया भाई, खुल गया। तो बस इस तरीके से हमारा दिन चल रहा है अभी फिलहाल। बर्थडे पे ऐसा कुछ खास, ऐसा कुछ स्पेशल हुआ नहीं है। हमारे मित्र लोग रात में व्यस्त हैं, ये दोनों उपस्थिति इतनी खास है भाई, खास। ये दोनों के दोनों गरबा खेलने जाएंगे, मैं घर पे बस खा पी के सो जाऊंगा, या फिर शायद मम्मी पापा के साथ कहीं जाना होगा। आप लोग क्या करते हो अपने जन्मदिन पे, जन्मोत्सव पे क्या करते हो, मुझे बताना कभी कि आप भी। मेरे को तो ज्यादा खुशी इसी में मिलती कि भाई मम्मी पापा के साथ, चलो मम्मी पापा को खिला पिला दिया, चलो या इनको गरीबों को खिला दिया कुछ, चलो गरीबों को कुछ रोटी और अचार खिला दिया। सेव। इसी में क्या बहुत बड़ा है मेरा दिल।
इसी में मुझे खुशी मिल जाती है। मालिक बहुत अच्छे हैं, दो रोटी एक्स्ट्रा दिलवाते हैं। टकराएगा तो नहीं पीछे? नहीं टकराएगा, खोल एक बार। नहीं टकराएगा, अरे नहीं टकराएगा, जाने दे। ट्रायल एंड टेस्टेड है सब कुछ। थैंक यू सो मच भाई। ये सारी तैयारियां सत्यम ने करी हैं। ये संस्कृति है सत्यम की बंदी, वो सत्यम का भाई। केक नहीं, चलो ठीक है अब क्या करेंगे। तो को फोन करके बोलूं बर्थडे केक निकाल कर? नहीं नहीं, वो अच्छा भी करते थे लेकिन अच्छा। कितनी सारी चीजें ले आए, तू क्या करने गया? अच्छा खाएंगे केक, खाना है। क्या कर रहा भाई? अरे इसको ऐसे चिपका है, मोमबत्ती मत लगा, मम्मी भी डांटेंगी। तो उसको बुझाना नहीं है? नहीं नहीं, आज मम्मी ने जरा सा भी डांटा ना तो मैं घर छोड़ देता हूं। काट लूंगा क्या? तो तुम कहां जा रहा है, मुझे भी ले चल। हां तो बुझाने मत ना उसको। बुझाएंगे ना, क्यों नहीं बुझाएंगे, हाथ से बुझाना। दो ही है क्या मोमबत्ती? दिया बुझना तो और पागल चाह रहे, और अब से को बता दिया बुझना। कह रही है दिया लाती हूं। हम जा रहे हैं उधर हिमाचल प्रदेश कार। कौन सा कार्टून? एक का डिस्प्ले, एक का डिस्प्ले। जन्म देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ले भाई खाओ, और मेरे को ना सब लोगों को मार पड़ेगी। सॉरी सॉरी सॉरी, मेरे को थोड़ा ही खिलाना ठीक है। बहुत मारूंगा किसी ने ज्यादा केक खिलाया तो। आई एम ऑन अ कैलोरी बजट, गरीब हूँ मैं। तो अंडे उबाल लाओगे तब भी है। खा क्यों नहीं रही, उपवास है क्या? नहीं अभी खिलाना है भाई, बाकी अरे पूरी जाप के बैठी। पहले तेरे को तो खिलाने दे भाई, मैं खिलाऊंगा आप मम्मी को। अरे मम्मी हाँ, वैसा नहीं होता है, क्या कर रही हो? ऐसा थोड़ी हुआ है, इसी में खिला दूं थोड़ा सा। तेरे ऊपर ही ले पापा। अब बहुत अच्छा है तू, पूरा खा लो। अब दोस्तों को खिलाओ भाई, सत्य मूड भूखा है। बड़ा चबर चबर निखिल के बाइक से आ रहा है क्या? देखो कोई दिक्कत नहीं ना, वेन्यू नाम की बाइक है भाई, ये ले। बिल्कुल समझ लिया इसका। आप सभी लोगों का गिफ्ट है, फिर बोलना उपस्थिति का बता। अच्छा अच्छा, मैं आप सभी लोगों की उपस्थिति मेरे लिए बहुत बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, उपस्थित लोग में कैमरामैन दिख रहे हैं। अक्षय, संस्कृति और ये भाई का नाम क्या है? ये उपस्थिति बहुत बड़ी चीज है मेरे लिए। तुम्हें ये बर्थडे बहुत बढ़िया है इस बार का, 30 साल का हो गया। हाँ ये मत बताओ। और मेरा यहाँ पे नहीं, रुक जा, लग नहीं रहा, लेकिन 30 साल का पहले से। पिछले 4 बर्थडे से अगर कंपेयर करें तो ये काफी अच्छा है, क्योंकि मैं अपने लिए गए घर में अपना जन्मदिन मना रहा हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। क्या बात है, भाई बहुत मटेरियलिस्टिक आदमी हो, उनको अब जरा ऐसे पकड़ो, मैं भी अपना गिफ्ट लाना चाहता हूँ। ऐसे पकड़ो, फोटो विक्ट्री वाला परफ्यूम है ये। वाह यार,
अच्छा नहीं हुआ ना बताऊंगा भाई, वो बहुत सेक्सी बच्चे में। हाँ यार एकदम अंगूर जैसा लग रहा है। बहुत सही। चलो संस्कृति ने मुझे ये दिया है। संस्कृति को बड़ा नॉलेज है। इसको बहुत नॉलेज है। सस्ते से सस्ता इतना खतरनाक दिला। ए वो सस्ता नहीं और महंगे से महंगा। पूरा सेंटेंस नहीं होने देते। मेरा डिस्क्लेमर पता क्या था कि भाई महंगाई लाई हो जो भी आ रही है गिफ्ट। चलो भाई ठीक है। सो दिस इज फॉर यू बडी बिकॉज़ योर टाइम इज सो इंपॉर्टेंट। वाह यार भाई ऐसे उतारने वाले एप्पल वॉच अल्ट्रा इसको उतारो और फेंको। ये सस्ती है भाई। ये सस्ता मामला है। तुम वो देखो अभी और इससे महंगा परफ्यूम है। ज्यादा खुश मत विंटेज का। अरे पागल हो गया कुछ भी। यस ओल्ड मनी चेक है भाई। यार ये तो काफी सेक्सी है यार। भाई उसको फाड़ो ना। इसको नीचे कर दो। इसमें सेल नहीं डलता है। अपने आप खुद चलती है। वाह ऑटोमेटिक सेल सेक्सी तो सेल ही नहीं डलता है तो फिर चलेगी कैसे। पीछे पेंडुलम लगाए ना वो तेरे जी पलट के तो देखो तेरी तो धड़कन है ना भाई। ओ भाई ये देख यार भाई तो बहुत ही सेक्सी बहुत ही सुंदर घड़ी है। बहुत सुंदर घड़ी है। ये सेल्फ पावर्ड घड़ी है। खुद से ही जनरेट करती है। सुबह के टाइम सेट करना पड़ेगा। चाबी भरते हैं उसमें। अच्छा पहन के देखो तू जितना गुस्सा होगा ना उतनी तेज ऑटोमेटिक हटाओ भाई उसके ऊपर से। मेरे को लगा वो लिख ही देगा। जितना गुस्सा होगा उतनी तेज चलेगी। जैसे जैसे आप चलते रहते हो ना तो उसमें की ऐसे अपने आप होती रहती है। ये भी टैग हटा दूं। हाँ सब निकाल दो ना वो बंद साइज है। जैसे सो गए कभी पहन के तो बंद हो जाएगी। हाँ मतलब थोड़े टाइम तक ऐसे स्टैटिक रहेगी तो फिर हाथ नहीं चलेगा ना क्योंकि फिर उसके बाद वापस सुबह उठ के टाइम सेट कर लो और फिर चलना शुरू कर दो। अच्छा ऐसा है क्या। हाँ भाई वो उसका कांटा भी जो है ना ऐसा लगातार यूं ही घूमता है ऐसा सेकंड वाला। अच्छा मतलब इसमें बार बार टाइम सेट करना पड़ेगा। सुबह उठ के एक बार कर लो और बैटरी नहीं डलती इसमें। पर ये घड़ी जो भी है बहुत सुंदर है भाई। कोई टाइम देखने के लिए घड़ी नहीं पहनता है। उसका टाइम बताता है घड़ी। घड़ी उसका टाइम बता। अरे यार पूरा सेंटेंस बिगड़ गया यार। बहुत सही दिमाग में आया था लेकिन मैं लफ्जों पे ला नहीं पाया। मैं भी वही बना रहा हूँ। तू भी वही बना रहा है। अलग एंगल बोला तो पीछे खड़ा हो गया। लड़ लो। चलो भाई यार सत्यम आ जाए। मजा आ गया भाई जन्मदिन। चलो अब खाना सबको मेरी तरफ से। ये गरबा गर्ल्स तो जाएंगी आज गरबा करने हैं दोनों। अब मेरे को वीडियो अपलोड करनी है। बस वीडियो अपलोड करके वापस आऊंगा। अरे बीच का मेरे को कब आएगा वापस देखो ना। आएगा वापस को आ जाऊंगा यार। कितने बजे जाना है खाना। 7:30 8 बजे। हां वही 7:30 चलेगा ना तू खाना खाने। निकल रहा हूं अभी। नात्मक बातें बता रहा हूँ। ये जो फॉसिल की घड़ी है बैक इन 2017 में इसे देखता था। आकाश भैया के पास थी फॉसिल की थी तो मेरे को बड़ा ऐसा लगता था कि यार वो कितनी सुंदर घड़ी है यार। तो फिर निखिल भैया तो फिर मैं मिंत्रा बार बार चेक करता रहता था। लेगा नहीं आज पापा कि कोई सी सस्ती वाली फॉसिल की ले लूं जिसपे बस फॉसिल लिखा हुआ दिख जाए। तो कोई सस्ती आती नहीं थी। चालू ही इनकी शुरुआत ही 12,000 से होती है फॉसिल की घड़ी। 12,000-8,000। और ये जो घड़ी है ये तो सेल्फ पावर्ड है तो फिर ये तो और ही महंगी होगी। मैं समझ सकता हूँ। तो वो भाई ऐसा लग रहा है कि छोटा सा वो जो सोचा था कि घड़ी लेंगे फॉसिल की कभी ये पूरा हो गया। तब फिर फिटनेस में आ गए। एप्पल वॉच अल्ट्रा ही चल रही है तब से। चीरा मेरा तो नहीं लगा। मैंने घड़ी ली और घड़ी लेते साथ बोला ये आ गया। कपड़े अपने सब बदल के आया है। देख ले तू कपड़े अपने सब बदल के आया है। अरे चल कोई नहीं यार खाने के काटना पड़ गया। पहले गा थोड़ा गा जोर से। हाँ हिंदी में कर। हिंदी में करना। हिंदी में करना। किसी में यही खिला दे चुपचाप। अरे निखिल भैया हम तीन जा रहे हैं ट्रिप पे। तेरे को चलना है। चल रहे कब जा रहे हो बताओ। नहीं हम जा रहे हैं उधर कसोल तरफ कार से।
जाओ बढ़िया जाओ कैसी कैसी जाती है। चल यार तू भी चल, तू भी चल, कोई नहीं भिड़ेगा आप लोगों को। अरे हम भिड़ने वाले, हम ऐसे है ही नहीं, मस्ती करेंगे। नहीं नहीं लोग आ गए वहां लेके, करना क्या है ये बता तू। तो भाई मेरे को फोन कर देना, आपको पूरी आइटिनरी भेज दूंगा। ट्रेकिंग वर्किंग कर सकते हैं वैसे, सब भेज। राफ्टिंग वाफ्टिंग भाई को नहीं 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 तो मत खाना, और पानी वानी में नहीं जाना, कोई ब्राउनी दे तो मत खाना। खाने पीने की चीजें अच्छी मिलती है वहाँ, खाना पीना बढ़िया भाई। तुम वहाँ पे ठंड रहती है तो मैगी भी कहीं की सड़ी से सड़ी खाओगे ना तो अच्छी लगेगी। मैगी नहीं, चिकन वगैरह। भाई हम तो मैगी खा लेंगे ना। तुम आप लोग जीबी वगैरह तीन दिन भी बाहर जाके राइट फॉलो करो तो क्या मतलब। जीबी में एक ही कैफे है, वहाँ पर जाना। जीबी जाएंगे हाँ, वहाँ पर जाकर के पैनकेक्स खाना लेगा ऐसा। तो जीबी कसोल और तुमने क्या बोला था? अरे नहीं एक वो था, एक और तुमने नाम लिया, जीबी बोला था। आपको और एक कैफे का ओनर रहेगा जिसने आजूबाजू जितने भी पहाड़ है वो सारे ट्रैक कर रखे हैं उसने। सो दाढ़ी वाला एक स्टोरी डाली थी, गाना बजा रहा था, गिटार बजाते बजाते वो बंदा मिलेगा, मजा आ जाएगा। करियो यार निखिल, निखिल कर यार, जाने से पहले एक बार डांस दिखाओ यार। मैं आऊंगा तो भीड़ आ जाएगी वहाँ। चलो चलो इसी वाले उसमें इनके गरबा की क्लिप डाल यार, निकल यार। मेरे पैर मत छूना, मैं कंगाल हो जाऊंगा। वही तो कह रहा हूँ। चलो भाई बाय। अच्छा जा सॉरी। आई एम रेडी फॉर द डिनर। मम्मी पापा को खाना खिलाने ले जा रहा हूँ, छोटा भाई भी वहीं आएगा। छोटे भाई का गिफ्ट है ये, देखो गाइस कितनी सुंदर घड़ी लग रही है यार। आप लोग बताओ कैसी लग रही है। अंदर के एलिमेंट्स भी हिल रहे हैं पता है, और पीछे की साइड भी, इस तरफ भी एलिमेंट्स हैं वो हिलते हुए दिखते हैं। बहुत सुंदर घड़ी है, उनको देख पोज दे रहे ये दोनों पति पत्नी मियाँ बीवी 10 बार फोटो खींचते हैं सामने कैमरा रख के, और पापा का टाइमर 10 सेकंड से चालू होता है, तो मम्मी की इच्छा मर जाती है दोबारा खींचने की। आप तो एकदम घातक बब्बर शेर लग रहे हो पापा, इधर देखो। से खा जाएंगे कच्चा। ये देखो गाइस कितना सुंदर दिख रहा है, योर फिटनेस स्टोरीज मैंने लगाया है, पापा ने लगाया है। आज चौड़े लग रहे हैं सब। मम्मी आओ, मम्मी दुबली लग रही है आज। हैं 20,000 तो चल लिया ना, 20,000 स्टेप्स कर रही हो रोज के। अरे यार कूल यार, खुद दबा के खाओ आज फिर। भाई आज तो पूरा मॉल खाली है, गर्भे का आखिरी दिन है ना, तो पूरी जनता वहाँ गई है सत्सवर के, और बारिश हो गई। मम्मी पास अपने बाहर रख लो। क्या भाई सत्यम, नहावा लिया करो थोड़ा यार, ऐसे ऐसे नहाए हुए लग रहे हो। रद्दी बाल क्यों लग रहे हैं? क्यों तेरे को नहाया हुआ लग रहा है? इसको क्या हो जाता है एकदम से? एकदम से मेरे पापा डांटते हैं फिर ऐसा करो तो, ठीक है? पापा व्हाट वुड यू लाइक टू डू टू हैव भाई ऐसे करके क्यों बैठे हो? अच्छा मम्मी कुछ पीना है अल्कोहल टाइप, मतलब दारू वारू? एक झापड़ लगाऊंगी जिन पिला चेहरा हटाओ, ब्यूटीफुल पीपल के चेहरे देखने तो ये गंदे गंदे हैं। तो गाइज मुझे मेरी माँ ने 1100 रुपए दिए हैं जन्मदिन पे, और पैर छुआए हैं तो मैंने कर ले। छुआ तो सुबह भी तो छुआ था, ब्लॉग में भाई आप झूठ भी नहीं बोल सकते। इधर ला, साले ने हाथ से छीन लिया पता नहीं चला कब में। इधर ला छोटा, हाँ 1100 रुपए दे, 1200 थे सॉरी, 1200 थे सॉरी मम्मी, हाँ 1100। भाई घड़ी तो यार ऐसी, भाई घड़ी तो रखने पे भी बननी हुई। अच्छा दो बंद हो, अच्छा मेरे को लोग रखते बंद हो जाएगी डांटूंगा, लेकिन ये तो चल रही है।
को देख तेरा दोस्त कैसा मजे ले रहा है। तो भाई ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है टेबल, सब लोग साथ में बैठे हैं, ड्रीम कम ट्रू। भाई इतना खाना खा लिया, इतना खाना खा लिया, टेढ़ा हो गया दुबे परिवार। आए किधर से थे? इधर से आए थे। कैसा था खाना भाई? एक नंबर यार, खाना एक नंबर, सर्विस पूरे जीरो थी यार। सर्विस जीरो है पंजाबी ग्रिल की। मम्मी कैसा था खाना? अच्छा था। बस लेट हो गए ना? क्यों क्यों लेट हो गए? खाना लेट करता था, पापा को भूख लगी थी दबा के, और रोटियां ला रहा था जैसे भाई की चींटियों को डाल रहा हूँ। खाना अच्छा था लेकिन टेस्टी था। मेरा रू कहाँ छोड़ यार, मेरा छोड़ो तो मेरा में बैठी रहेगी। तो मैं भी तो घर में बैठा हूँ, मैं कहाँ भाग रहा हूँ? मैं भी तो घर में ही हूँ यार, मैं कहाँ भाग रहा हूँ? देखो यहाँ बारिश बंद हो गई, चल डांडिया कराते हैं मम्मी। भाई साहब रस्ते भरे दोनों लड़ाई करते हुए आए हैं, मम्मी पापा भयंकर वाली, और पापा मम्मी को तंग कर रहे हैं थोड़ी थोड़ी देर पे, और मम्मी ऐसा जवाब दे रही है। अरे कहीं लड़के नहीं आया यार। तो फिर इनको लेके जाना भीमा शंकर, और मैं जब ट्रिप पे जाऊंगा तो ठीक है भाई, रिफंड कराऊंगा, मैं जाऊंगा बाई ट्रेन इनको लेके। लेकिन हाँ हाँ, जैसे जाना है ले जाओ। तो गाइस एक बड़ी लंबी ट्रिप आने वाली है, आई विल रिवील इट सून। पर ऐसी दाढ़ी में ही आप अच्छे लगते हो पापा, भयंकर बबर शेर, सवा शेरनी। इसकी बीवी सवा शेरनी है, उसका पति शेर बब्बर शेर हो गया यार। हाँ, अब लड़के बच्चे, लड़के बच्चे शेर के बच्चे सीधी होंगे। सितारा आ ना आप इधर। मम्मी अब बात मत करना, घड़ी घंटगोण बेइज्जती करी आपकी पापा ने। अब नहीं जाना तू कहाँ? आओ घड़ों काम कर देना, पहले लेके आओ। तो इनका प्लान बनेगा बाहर जाने का। टिकट ऊपर आओ ना, चावल पापा रिजर्वेशन देखने लग गए गुस्से में आके। बहुत बढ़िया यार, मम्मी ऐसे ही पापा को टोचा करो तो पापा आपको फिर कहीं पे भी ले जाया करेंगे। ये देखो भाई बढ़िया, वहाँ ट्रेनें देखने लग गई। तो बस भाई इसी के साथ ये दिन खत्म होता है, मैंने अपना आधा घंटे का भी कार्डियो भी कर लिया। ये देखो हाँ, जो मैंने आज खाया है वो बिकॉज जन्मदिन था इसलिए मैंने खाया, और उस चीज को मैं कार्डियो से बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, ये बस मेरा रूटीन है जो मैं सॉरी फॉलो कर रहा हूँ। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखो। बाय बाय।